आज मैं आपके लिए अंडे की रेसिपी लेकर आई हूँ और ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। आप देख सकते हैं ये हमने अंडा करी बनाई है, पर हमने इसे पालक के साथ बनाया है और ये पालक के साथ बनाने के बाद बहुत ही टेस्टी भी लगती है। आप इसे एक बार ट्राई करेंगे तो आप बार बार इसे बना के जरूर खाएंगे। और अगर आप पालक वाली अंडा करी बनाना चाहते हैं तो चलिए मेरे साथ शुरू कीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। पालक वाली एग करी बनाने के लिए मैंने इसमें आधा चम्मच तेल डाला है और इसमें हम डालेंगे पिंच ऑफ हल्दी, पिंच ऑफ लाल मिर्च और पिंच ऑफ नमक और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें हम सभी अंडों को फ्राई कर लेंगे। ये मैंने 8 अंडे लिए हैं और उबाल लिया था और हल्का सा हम इसे सॉटे कर लेंगे। हमें जी ज्यादा देर फ्राई नहीं करने थे, बस हमें 1 मिनट के लिए ही इन्हें फ्राई करना था और ये मैं अब निकाल लेती हूँ। और अब हम इसमें 2 चम्मच तेल डालेंगे। तेल गरम हो गया है, इसमें हम डाल देंगे ये 2 तेज पत्ता और ये मैंने 2 प्याज, 8-10 कलियां लहसुन की पीस के रख ली थी वो डाल दूंगी। प्याज को हम अच्छे से गोल्डन कलर आने तक भूनने देंगे। प्याज भुनने वाली है और जब तक गोल्डन कलर नहीं है आप तब तक इसमें और मसाले ना डालिए और जब तक, बहुत जरूरी होता है कि प्याज को हम अच्छे से भूने, और अगर जब तक प्याज अच्छे से नहीं भुनेगी ना तब तक आप सब्जी में आपके में टेस्ट नहीं आएगा और ना कलर आएगा। और अब हम इसमें 1 चम्मच डाल देंगे बेसन। अब आप सोचेंगे बेसन क्यों? बेसन ग्रेवी को गाढ़ा करेगा और बहुत अच्छा टेक्सचर देगा। और इसको भी हम अच्छे से भुन जाने देंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। 1/4 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच लाल मिर्च, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और 1/4 चम्मच हम डालेंगे गरम मसाला। आप चाहे तो इसमें खड़े मसाले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये मैंने 4 टमाटर पीस के रखे थे वो मैं डाल दूंगी इसमें। आप टमाटर की मात्रा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं और अगर दही का इस्तेमाल करना है तो आप दही भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और टमाटर वाली कटोरी में ये पानी थोड़ा सा डाल देंगे इसमें, जिससे कि मसाले अच्छे से कुक हो जाए। और अब हम इसे ढक के रख देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट हो गई हैं तो ये देखिए मसाले में कलर भी आ गया है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक। ये मैंने 1/2 चम्मच नमक लिया है। आप नमक अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसमें कर देंगे ऐड पालक। ये मैंने पालक की 1 गड्डी ली थी, उसे साफ करके धो के और उबाल के पीस लिया था और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे अब इसमें। अब 5 मिनट के लिए इसे धीमी आंच पे ढक के हम पकाएंगे, जिससे कि पालक अच्छे से पक जाए। देखिए पालक भी अच्छे से कुक हो गया है, पालक ने तेल छोड़ दिया है और आप देख सकते हैं कि कलर भी बहुत अच्छा आ चुका है। और अब हम इसमें अंडे ऐड कर देंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। आधा ग्लास हम इसमें पानी डाल देंगे, जिससे कि जो अंडों में फ्लेवर मसालों का अच्छे से आ जाए। यकीन मानिए ये बहुत टेस्टी रेसिपी है और ये आपके घर में सभी को बहुत पसंद भी आएगी। आप एक बार ट्राई करेंगे तो मोस्टली सब घर में यही कहेंगे कि आप पालक वाली अंडा करी बनाई है। और अब हम इसको ढक के रख देंगे और 5 मिनट तक इसी तरह से कुक होने देंगे।
चलिए देख लेते हैं, 5 मिनट हो चुकी है। और ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है हमारे एग करी का। आप किसी के सामने पहली बार ये एग करी परोसेंगे ना, तो वो भी देखते रह जाएंगे कि वाह देखने में इतनी अच्छी लग रही है तो ये खाने में कितनी अच्छी होगी। और चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। ये लीजिए पालक वाली अंडा करी तैयार है, और ये देखने में आपको लग ही रहा होगा कि कितनी टेस्टी बनी है और बिल्कुल नए तरीके से हमने इसे बनाया है। आप इसे एक बार ट्राई जरूर करिएगा, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे कि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। प्लीज शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।